वेलकम बैक। तनुजा चंद्रा से बातें हो रही थी। तो तनुजा, ये अव्वल जो है, आपको फिल्म किसने दी या आपने किसको डरा के एक फिल्म ले ली? हाउ डिड यू गेट टू योर फर्स्ट फिल्म? मिस्टर महेश भट्ट, जो ऑलरेडी प्लस चैनल के क्रिएटिव डायरेक्टर थे, एंड वी आल्सो वर्क विद हिम, उनके साथ फिर मैंने लिखना शुरू किया। आई एक्चुअली रोट द स्क्रिप्ट ऑफ तमन्ना, और जख्म पे भी मैंने को राइट किया स्क्रिप्ट। सो दैट वॉज व्हेन आई सेड कि दिस इज द सब्जेक्ट आई वॉन्ट टू डू, और उनको पता था क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्लस चैनल के लिए इतना सारा डायरेक्ट मैं कर चुकी थी। तो ही न्यू वेरी वेल एंड ही कुड सी कि देयर इज अ काइंड ऑफ अ थर्स्ट एंड अ टैलेंट। तो ही वॉज द फर्स्ट वन टू गिव मी द मूवी। ओके, लेट्स सी व्हाट ही सेज। कुछ रिश्तों को लफ्जों में बांधना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तुम्हारा मेरा ऐसा एक रिश्ता है। द टाइम हैज कम फॉर मी टू एक्नॉलेज द एनॉर्मस कॉन्ट्रीब्यूशन यू हैव मेड टू माई लाइफ। तुमने मेरी कंपनी को इतना कुछ दिया, एक से एक बेहतरीन फिल्म। एक बात न जाने ये याद क्यों आती है, तुमने जब अपना पहला ऑटोग्राफ दिया था तो तुम्हारे आँखों की चमक मुझसे आज भुलाई नहीं भूलती। आने वाले कल में तुम्हारा नाम इस इंडस्ट्री के हेडलाइंस में लिखा जाएगा। आई एम सर्टन अबाउट इट। इट्स इनएविटेबल एज टुमारो सनराइज। यू आर गोइंग टू मेक इट। Thank you for what you have done for me. My life would have been poorer without you. Thank you, Tanuja. एक एक साहब आपसे बात करना चाहते हैं। प्लीज सर, फरमाइए। नमस्कार हुजूर, आपको नाम बताने की जरूरत नहीं, आपकी आवाज ही से पहचान लेते हैं। आप तनुजा जी से बात करें। क्योंकि मैं यात्रा कर रहा हूँ और ये मेरा दुर्भाग्य है कि तनुजा जी के शो में मैं पहुँच नहीं पाया। किसी पुरुष की तरक्की में औरत का हाथ होता है, लोग कहते हैं, लेकिन मेरी तरक्की में तीन तीन औरतों का हाथ है, उनमें से तनुजा चंद्रा सबसे प्रमुख है। और मैं इनको मॉम के नाम से पुकारता हूँ, क्योंकि यही है जिन्होंने मुझे पहली दुनिया में जन्म दिया है। तनुजा जितनी अच्छी निर्देशक है उतनी ही अच्छी शिक्षक है और उतनी ही अच्छी वो आपकी स्थिति, क्योंकि वो डांटती आपको ह्यूमिलेट करने के लिए नहीं है, आपकी बेहतरी के लिए डांटती हूँ। जो जितना बेहतर होता है वो उतनी ही अधिक डांट खाता है, इसलिए कि आप और निकालिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी, बहुत शुक्रिया। आशुतोष राणा वाज आल्सो रीइटरेटिंग जी व्हाट तन्वी से चली एनी लाइज ओवर हियर। आपने क्या पहले ही से ऐसा सोचा था कि भाई मैं जब भी बनाऊंगी एक बड़े स्टार कास्ट की फिल्म बनाऊंगी? काजोल जो उस जमाने की बहुत रेगुलर एक्टिव हीरोइन हुआ करती थी, बहुत टैलेंटेड, और फिर संजय जो बहुत बड़े स्टार उस वक्त भी थे, डिड यू डायरेक्टली अप्रोच देम कि भाई मैं तनुजा चंद्रा हूँ, मैंने ये किया, और डिड यू हैव समबडी एल्स टॉक टू देम? काजल आई डायरेक्टली अप्रोच्ड एंड शी इज अ वेरी वेरी जेन्युइन पर्सन। तो उनको मतलब आई डायरेक्टली अप्रोच कि आई हैव अ मूवी, शी सेड कम नरेट इट टू मी। फिर मैंने कहानी सुनाई और उसने इमीडिएटली हाँ कह दिया। संजय दत्त वाज अप्रोच्ड बाय मिस्टर भट्ट। भट्ट साहब ने कहा कि एक मतलब एक फीमेल ओरिएंटेड पिक्चर है, तो उसमें मतलब काम करना चाहोगे? एंड देन ही हर्ड द स्टोरी एंड ही लाइक्ड इट वेरी मच आल्सो, एंड दे बोथ डिड वेरी गुड वर्क। यस, हाउ वाज द रिएक्शन टू योर फर्स्ट फिल्म? मतलब हुज रिएक्शन व्हेन यू रिलीज द फिल्म? एक नई फिल्म मेकर आई है, भाई इस पे ध्यान दो, ये कौन लड़की है? I got a very good reaction. It's a high octane story, मतलब soft और gentle नहीं है। तो एक और बहुत कांपते डरते हुए लड़खड़ाते हुए लरसते हुए एक और आपकी आर्टिस्ट जो है आपसे मिलना चाहती है, प्लीज आइए। When did you first meet? तनुजा, I met at पूजा's office. I was late. हमने ही बुलाया था गौरी को. Because you were late. I was yes. late. For a meeting. So the first meeting, yes. For a first meeting, she fell down. That was the first visual. We said she's perfect for the role. और कैसा मतलब डांट खाने के अलावा खूब अच्छा खुशहाल? हाँ खुशहाल, तो मतलब इतनी डांट खाई है, इतनी डांट खाई है कि आंसू कभी कभी निकले हैं, लेकिन शॉट के बाद एक बड़ा सा हग मिलता था तो सब भूल जाती थी। और कान में एकदम फुसफुसा के कहती थी, यू आर सो सिक गौरी। तनुजा कभी फुसफुसाती नहीं है, कभी फुसफुसाती नहीं है, जो है वो बाबा से बुलंद होता है। 500 का क्राउड जो है चुप हो जाता है तनुजा जब। एक साहब जो है इनके कान में कुछ फुसफुसाना चाहते थे लेकिन वो ज्यादा दूर है, इसलिए सर आप वैसे ही बात कीजिए। हाय तनुजा। हाय लकी।
तो तनुजा गौरी के बारे में बतला रही थी कि जैसे ही वो आई गिर पड़ी, तनुजा का परफेक्ट कास्टिंग। आपसे जब मिली थी तो क्या हादसा हुआ था? मैं तो बहुत डरा हुआ था जी कि इन्होंने मेरे को क्यों चुना, क्योंकि I was doing music and but when she narrated the subject to me, I was very happy. And मुझे I liked her sincerity and the way she just told me the story. I saw the film in front of me and that made sense. And so Lucky, thank you very much for calling. Take care, Lucky. एक तो आपने वो फिल्म बनाई थी जिसमें आशुतोष राणा लोगों का मतलब जीना हराम कर देते हैं, फिर आपने एक कुछ और संघर्ष बनाई थी जिसमें वो आदमी मरने को तैयार नहीं है, अक्षय कुमार उनको मार डालने पे छोले वो सडनली यू टर्न इनटू लाइक दिस लिटिल वेरी सॉफ्ट सेंटिमेंटल लवली म्यूजिकल, तो व्हाट वाज द रीजन फॉर द चेंज? एक फिजिकल वायलेंस से थक गई थी एंड इमोशनली ऑफ कोर्स एक ड्रामा है, एक इमोशनल ड्रामा से कभी नहीं थक सकते क्योंकि फिर मेरे लिए फिर कहानी में कुछ होता नहीं अगर एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग कहानी नहीं होती। सो आई थिंक दैट आई वाज जस्ट टायर्ड ऑफ हैविंग क्रेजी पीपल, आई थॉट आई विल हैव अच्छा अच्छा शी वाज टायर्ड ऑफ हैविंग क्रेजी पीपल जी आई थॉट कि चलो लेट्स डील विद रियल पीपल ह्यूमन बीइंग्स बट ऑफ कोर्स द वायलेंस इवन दे आर केपेबल ऑफ जैसे आपने कहा इमोशनल वायलेंस जी 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 तो उस हिसाब से लकीज कैरेक्टर वाज डूइंग दैट टू हर। एक फिल्म मेकिंग की और आपके फिल्म मेकिंग की बात चलिए तो इन साहब की बात सुनते सुनते चले। आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम व्हेन यू मेट मी आउटसाइड विशेष फिल्म्स ऑफिस विद भट्ट साहब एंड भट्ट साहब सेड दैट मुकेश आई फील दैट वी शुड गिव हर अ ब्रेक एज अ डायरेक्टर फॉर वन ऑफ अ फोर्थकमिंग मूवीज and to be very honest I was quite stunned because you look like a small kid to me and not a director you know and I must tell you one thing that Dushman was a beautiful experience never did you make me feel that this was your first film as a director which is quite a remarkable feat my memories of you have been mostly fond though we have fought a couple of times but that happens take care be happy love you